नींद से उठ के सबसे पहला काम मेरा होता है नहाना। नहा के निकल के आई और मैं चेक कर रही हूँ कौन सा वाला कपड़ा मेरा सूख गया, जो उसको मैं निकाल सकती हूँ और फोल्ड करके रख सकती हूँ। स्टैंड को मैं जितना जल्दी खाली करके हटा दूँगी उतना ही मेरे लिए अच्छा है। मुझे रूम ज़्यादा जगह चाहिए रहता है, काम करने के लिए इजी होता है, लेकिन ये स्टैंड जो होता है ये आधा जगह पूरा कवर कर लेता है, तो इसलिए मैं पहले चेक किया है कौन सा वाला सूखा है नहीं सूखा है। हैंगर में इसीलिए मैं उसको नीचे रख दिया है, मैं सोचा कि ये सूख गया है। उसके बाद घर पे छोटे छोटे काम होता है उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे एक जग रखा हुआ था उसको किचन पे रख दिया, जो चीज़ जिधर रहते हैं मैं सुबह उठकर छोटे छोटे काम मतलब वही सजा के रखना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं खुद को संवरना सजना करती हूँ, थोड़ी सी बाल को ठीक करनी है, थोड़ी सी फेस पे क्रीम लगानी है और उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी गुनगुना सा गर्म पानी पीने के लिए। और इससे पहले पानी पीने से पहले मुझे थोड़ी सी एनर्जी कम रहते हैं, कभी कभी एनर्जी अच्छे रहते हैं लेकिन पानी पीने के बाद मुझे काम करने के लिए बहुत ही एनर्जी रहते हैं। नमस्ते, शुभ प्रभात। अभी सुबह 7:30 बज रहे और मैं अभी उठी हूँ नींद से, नहा लिया, गुनगुना सा गर्म पानी लेके बैठ गई। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ डेली रूटीन के साथ। आप लोग मेरे साथ रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। थोड़ी सी सुस्ती है अभी इसलिए मैं बैठी हूँ काफी टाइम से पानी लेके, लेकिन पिया नहीं। सुबह के टाइम मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि माहौल बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। और दूसरा है जो पंछी लोग बहुत शोर करते हैं मुझे नींद से जगाने के लिए, इसलिए उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मेरे बाजू में सब एक घर में पूजा करते तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साउंड आते रहते, शंख की आवाज़ आती है, घंटे बजते हैं उसकी आवाज़ आती है। फिर मेरे घर से थोड़ी सी दूर दूर मंदिर होती है वहाँ से भी बहुत आवाज़ आते हैं, तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं सुबह के टाइम। पूजा कर लिया है अभी और अब मैं घर का काम पूरा करना शुरू कर दूंगी और पसीना पसीना बहुत ज़्यादा गर्मी है, घर का काम करूंगी अभी। घर में पूरा बिखरा हुआ है और उसके बाद मैं चाय पीने जाऊंगी किचन। और दोपहर का खाना कल जैसे जल्दी बनाया था आज भी जल्दी बनाऊंगी, आज वेज नहीं है, नॉन वेज आज खा सकती हूँ। तो बहुत गर्मी लगता है, फैन बंद कर देती हूँ साउंड देने के टाइम। एक नज़र देख लेते हैं, भगवान जी को दर्शन कर लेते हैं। शंभु शरण आए मांगे भक्त जनिए। और अभी रूम दिखा देती हूँ कि रूम का हालत अभी कैसा है, पूरा बिखरा हुआ है और मैं घूम घूम के कैसे काम करती रहती हूँ इस रूम पे। कभी कुर्सी को मैं आगे लेती हूँ, कभी कुर्सी को पीछे रखती हूँ, बैठने के टाइम बैठ जाती हूँ, बाद में भूल जाती हूँ आगे करने के लिए। पूजा करने के टाइम मैं पूजा के सामान जो है सब बिखर के बैठ जाती हूँ, जल्दी में रहती हूँ इसीलिए बाद में सोचती हूँ इतना सजा के मैं क्यों नहीं बैठती हूँ, डेली एक ही बात सोचती रहती हूँ। उसके बाद मैं अभी पूजा हो जाने के बाद सब सजा के रख देती हूँ अपने अपनी जगह पर। और अभी मैं जाऊंगी किचन चाय पीने के लिए और बोरिंग चाय रहेगा क्योंकि अकेले जो भी लोग चाय पीते हैं वो बोरिंग ही होता है, उसमें से मैं एक हूँ। चाय नाश्ता मैंने कर ली और चाय के साथ आज खास कुछ भी नहीं था, खस्ता जो बोलते हैं बटर खस्ता वो लिया था। उसके बाद मैं थोड़ी सी विंडो में आई बाहर कितना धूप है वो दिखने के लिए। और इसके बाद मैं विंडो भी खोल के रखी हूँ और दरवाज़ा खोल के रखी हूँ क्योंकि अभी मुझे किचन खाना बनाना है, तो ये दोनों खोल के रखूँगी तब भी थोड़ी सी हवा पास होगा।
खाना बनने के बाद दरवाज़ा मैं बंद कर दूंगी, और इधर कोई भी लोग दरवाज़ा बंद ही रखते हैं, चाहे वो जैसे भी हो रूम। और मैं सब्जी को आधा ऐसा धो के रखी हूँ और आधा मैं अभी धोऊंगी, मतलब पानी में पहले भिगो के रखती हूँ उसको, और बाद में एक एक करके आराम से दो तीन बार करके धो लेती हूँ। पूरा मैं फैला के बैठी हूँ। मेरा किचन एकदम पूरा फैला हुआ है। पहले मैं सब्जी वब्जी सब रेडी कर लेती हूँ। दोपहर इतना धूप है, जैसे बाहर निकलेगा तो पूरा आग लग जाएगा। इधर बहुत गर्मी रहता है, मुंबई में नॉर्मली बहुत गर्म होता है, और अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो कितना गर्म हो सकता है। कोई भी अभी बाहर ऐसा नहीं घूम सकते, चल के नहीं घूम सकता है, सब गाड़ी में ही घूम सकते हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास स्कूटी भी नहीं है, फोर व्हीलर भी नहीं है। बन जाएगा, हो जाएगा, मजा करेगी। सब्जी मैंने सब रेडी कर लिया है, अभी मसाला मैं पेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद खाना बिठा देती हूँ। तो मैंने सब्जी क्या रेडी किया है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची पेस्ट करूँगी, और ये पेस्ट मैं डालूँगी मशरूम आलू ब्रोकली इसमें डालूँगी, ये सब्जी बनाऊँगी। और ये लाल साग है, ये फ्राई करूँगी, और ये परवल है, ये भी फ्राई करूँगी। टमाटो और प्याज इस सब्जी में जाएगा, थोड़ी सी लहसुन मैं साग में भी डालूंगी, और ये चावल के लिए पानी, तो अभी पेस्ट कर लेती हूँ इसको। पहले परवल फ्राई करूंगी, उसके बाद साग फ्राई करूंगी, और उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। और चावल तो मेरा एक साइड में, 5 मिनट लगेगा चावल बनने में बस। तेल के ऊपर मैं थोड़ी सी अक्खा गरम मसाला डाली हूँ, टमाटर प्याज और अदरक लहसुन ये सब मिला के अच्छा से फ्राई किया है, और उसके बाद मैं आलू को डाला, आलू को भी थोड़ा इसके साथ फ्राई कर लिया। और अभी मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी पानी, बहुत गर्मी है बहुत। अभी खाना बन जाएगा, उसके बाद रूम क्लीन करूंगी, फिर नहाऊंगी, बहुत गर्मी है। Thank you.
सुबह का काम सुबह खत्म हो गया। अभी दोपहर 2 बज रहा है, खाना बन गया है, किचन साफ हो गया है और मैं अभी पूरा गंदी हो चुकी हूँ, पसीना है और किचन साफ करने के बाद पूरा कपड़ा खराब होता ही है। तो अब मैं नहा के आऊंगी और फिर दोपहर का लंच करूंगी। पहले नहा लेती हूँ और खाने के टाइम आ जाती हूँ आप लोग से मिलने। खाना बनाने से पहले मैंने दिखाया था कि आज ये खाना बनेगा और खाना बनने के बाद कैसे बना तो देख लेते हैं। मशरूम, आलू और ब्रोकली सूखा बनाया ये, और ये परवल फ्राई है और लाल साग, और ये मैं आज खाने में लेने वाली हूँ। ये कल वाला है मिर्ची जो मैं कल लिया था और खाया नहीं। बर्तन मैंने पूरा साफ कर लिया है लेकिन ये वाला बड़ा है थोड़ा, इसलिए मैं बोला खाना खाने के बाद ही मैं इसको साफ करूंगी। और ये राइस, तो आज दोपहर का खाना मेरा यही है। अभी 7:15 बज रहा है और मेरा प्लेट साफ कर लेती हूँ। बच्चे लोग अभी बहुत खेल रहे हैं।